स्वस्थ रहेगा भोपाल तो जीतेगा भोपाल की तर्ज पर जिला प्रशासन और भोपाल स्मार्ट सिटी ने होम क्वारंटाइन मरीजों के लिए ऑनलाइन योग की शुरुआत की है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि होम क्वारंटाइन मरीजों के लिए स्मार्ट सिटी स्टूडियो से योग सिखाया जा रहा है। भोपाल में कोरोना के होम क्वारंटाइन मरीजों को ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है, जिसमें हर रोज 200 मरीज योग करके स्वस्थ हो रहे हैं। इंटरनेट के जरिए फ्री लिंक से मरीज घर बैठे मोबाइल से कनेक्ट होकर इस सुविधा का फायदा ले रहे हैं, जिससे वो घर बैठे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। ऑनलाइन योग के परिणाम काफी अच्छे आ रहे हैं, इससे कोरोना संक्रमित लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। एवं आध्यात्मिक रूप से व्यक्तियों को सभी को बहुत शांति भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है। इसी उद्देश्य के साथ भोपाल स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने योगा की ये क्लासेस शुरू की हैं, जो प्रतिदिन सुबह चलाई जाती है। इसमें हमारी जो कोचेज हैं वो योगा में पीएचडी हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं, उन सभी को हम लोग योग के माध्यम से उनकी जो स्थिति है, चाहे वो शारीरिक स्थिति की बात करें, मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति की बात करें, उसको दिन ब दिन बेहतर बना सकें। एक फ्री वेब लिंक के माध्यम से ये जो योगा के लेसन्स हैं वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके माध्यम से आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये सभी के लिए उपलब्ध है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।